पीछे विवान का ही हाथ होगा। विवान ने परिधि का अपहरण किया है और जानबूझकर मेरी माँ जी को फंसा दिया है। और इंस्पेक्टर साहब, जिन सबूतों की बात आप कर रहे हैं, मुझे यकीन है कि विवान ने ही वो सबूत माँ जी के गाड़ी में रखी होंगी। ठीक है, हम विवान खन्ना को भी बुलाएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे। इंस्पेक्टर साहब, कहाँ है मेरी परी? क्या हुआ उसे? उसे कुछ हुआ तो नहीं? इंस्पेक्टर साहब प्लीज उसे ढूंढ लीजिए, अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब प्लीज। विवान, ये बकवास बंद कर। कि जो कुछ भी हो रहा है ना विवान, इन सब के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। मैं आपको बताती हूँ इसकी असलियत क्या है। ये विवान खन्ना है, ये परिधि का मंगेतर था। परिधि को मारता था, पीटता था और इसी के वजह से परिधि ने इससे रिश्ता तोड़ दिया। और उसके बाद परिधि यहाँ आ गई राजकोट में और हमारे परिवार का हिस्सा बन गई। लेकिन विवान खन्ना को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, वो परिधि की जान का दुश्मन बन गया और यहाँ चला आया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सच बता रही हूँ, किसी ने ही अगवा किया होगा, मुझे पूरा यकीन है। इंस्पेक्टर साहब, आप हमारी मदद कीजिए। क्या बात कह रही है, मैं उसके साथ ऐसा क्यों करूंगा? I love her. विवान झूठ मत बोलो। परिधि बार बार कह रही थी कि उसे विवान से खतरा है। ये क्या कह रही है? प्लीज अपनी मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद कीजिए। उसके हाथ में देखे जो वो पट्टी बंधी हुई है, मुझे यकीन है कि उस दिन हाथापाई में जो मेरे नाखूनों से खरोचे लगी थी, उसके हाथों में वही खरोचे होंगी वहीं पे। विवान, तुम अपना हाथ दिखाओ। इंस्पेक्टर साहब से कहिए कि ये उसका हाथ दिखाए। और नॉनसेंस क्या बोल रही हैं आप? और मैं किसी को क्यों प्रूफ करूं? नहीं, नो वे, बिल्कुल भी नहीं। आप अपने सास को बचाने के लिए मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। इंस्पेक्टर साहब, अगर ये निर्दोष है तो फिर अपना हाथ क्यों नहीं दिखा रहा है? अगर मैं झूठ बोल रही हूँ तो दिखाओ ना अपना हाथ, क्यों झिझक रहे हो? मिस्टर विवान खन्ना, अपना हाथ दिखाइए। इंस्पेक्टर साहब, कल रात को मैं दिल्ली में था, और हाँ, मैंने आपको वो अपना फ्लाइट का बोर्डिंग पास भी तो सेंड किया था, तो फिर? अपना हाथ दिखाइए। तो जला हुआ है। इंस्पेक्टर साहब, दिल्ली में सर्दी बहुत है, तो मैं अपने फायरप्लेस में आग जला रहा था और मेरी लापरवाही की वजह से एक जलती हुई लकड़ी मेरे हाथ के ऊपर गिर गई और मेरा हाथ जल गया। क्यों इंस्पेक्टर साहब, आपको नहीं पता कि दिल्ली में कितनी सर्दी पड़ रही है? अरे वहाँ का टेम्परेचर तो लंदन और शिमला के टेम्परेचर के रिकॉर्ड को भी तोड़ चुका है। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। तुमने ये सब कुछ जानबूझ के किया ताकि वो नाखूनों के निशान मिट जाए। ये पागल है, पागल। अजी, पागल तो आप हो चुकी आप। कोई जानबूझकर अपना हाथ जलाता है क्या?
और ये अपनी कहानी बनाना बंद कीजिए, प्लीज बंद कीजिए। विवान, तमीज से बात कीजिए, ये मेरी वाइफ है। मिस्टर है, मुझे एक बात बताइए, जिस तरह से मुझे एक्यूज कर रही है, कोई भी नॉर्मल इंसान तो रिएक्ट करेगा ही ना। मिस्टर विवान खन्ना, चाहे जो भी हो, मिसेज गोपी मोदी के बयान के आधार पर, जो कि आई विटनेस भी है, हमें आपको इंक्वायरी के लिए अरेस्ट करना ही होगा। जी हाँ, मुझे पता था मुझे कि ऐसा कुछ जरूर होगा। इन लोगों ने तो साजिश बना रखी है ना मुझे फंसाने की। पर कोई बात, मैं अपने लॉयर मिस्टर शाह को अपने साथ लाया। मिस्टर शाह, आइए आइए। इंस्पेक्टर साहब, ये है मेरे क्लाइंट विमान खन्ना के एंटीसिपेटरी बेल के पेपर्स। इंस्पेक्टर साहब, आप मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकते अभी, मैं पहले ही बेल ले चुका हूं। मुझे पता है मोदियों का दबदबा है राजकोट में, इसलिए थोड़ी सावधानी मैंने भी बरती है। अगर विवान को बेल मिल सकता है तो मैं भी अपनी माजी का बेल करवाऊंगी। सॉरी मैम, अभी तो कोर्ट बंद हो चुका है, आपको अभी बेल नहीं मिल सकता। सॉरी गोपी जी, अगर कोकी आंटी ने कुछ गलत नहीं किया तो बहुत जल्द वो इस लॉकअप से निकल जाएंगे। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज मेरी परी को ठोक लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। इंस्पेक्टर साहब, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज इंस्पेक्टर साहब। अंकल जी, आपका ये सलून लो ना, अब आपकी डॉटर को ठोक के निकालेंगे। आई प्रॉमिस, पक्का। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। परी, वो माय बेबी। गोपी इधर आओ। अहम दिख रहा, सब लोग घर जाइए। मेरी चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल ठीक हूं। कृष्ण भगवान जानते हैं मैं निर्दोष हूं। मैंने परिधि का अपहरण नहीं किया है, इसलिए मेरा बाल भी बांका नहीं होने देंगे कृष्ण भगवान। घर पर बा और बच्चे अकेले हैं, बच्चों को तो ये भी नहीं पता कि गोपी अस्पताल में है और उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हें फिलहाल अस्पताल जाना होगा, तुम अस्वस्थ हो। मोटा भाभी, उर्मिला बहन, गोपी को अस्पताल लेकर जाइए। और कृपया आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूं कि मेरी गोपी के साथ ही रहिएगा। चल गोपी। नहीं, मैं माजी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। गोपी, तुम अस्वस्थ हो, तुम चिंता मत करो, मैं मोम को कुछ नहीं होने दूंगा, मेरा तुमसे वादा। नहीं है जी, माजी, मैं आपको इस तरह से यहाँ नहीं छोड़कर जाऊंगी। और मासा जी, मैं समझ सकती हूँ कि आप पर क्या बीत रही है, पर मेरा यकीन कीजिए, मैं एक बार अपनी निकाशी बेन को खो चुकी हूँ, और ऐसे मैं इसे अपनी बहन नहीं खो सकती। मैं परिधि को वापस लेकर आऊंगी। गोपी, तुम्हें मेरी कसम, जाओ और आराम करो। जी, माजी का ध्यान रखिएगा और अपना भी। और हाँ,
मुझे माफ कर दीजिए, ये जो कुछ भी हो रहा है सिर्फ मेरी वजह से। तुम कैसी बातें कर रहे हो? हमारे इंटेंशन सेम है, खाली हमारे सोचने के तरीके अलग है। मैं जानता हूं हम जो कुछ भी कर रहे हैं अपनी फैमिली के लिए, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। मॉम को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, उन्हें जल्दी बाहर ले आऊंगा। अब तुम हॉस्पिटल जाओ तो जाके रेस्ट करो प्लीज। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।